हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी तक मैंने आपको आईएमपी की लिस्ट दे दी है और एक जो आईएमपी क्वेश्चन है हमने कवर कर दिया है। ये जो मैंने आपको आईएमपी की लिस्ट आपसे शेयर करी थी, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसका वीडियो जो बनाना था वो मैंने बना दिया, कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है और 5 to 8 है ये हो चुका है। अभी जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये भी हमने कर ही दिया था, फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया था इसको। और अब बात करेंगे, देखिए ये ROI लिखा था, यानी कि आपको ये रीड योर सेल्फ, यानी आपको खुद ही पढ़ना है ये। ओके, 2 मार्क्स का इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है ये जो क्वेश्चन है। जिसने भी जो फर्स्ट वीडियो है वो नहीं देखा, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को जाके देख लेना। उसमें मैंने आपको इस जो PDF है IMP की, उसकी लिंक भी आपसे शेयर करी है, आप उस PDF को डाउनलोड कर लेना और हो सके तो इसका प्रिंटआउट निकाल लेना, तो आपके लिए पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का, कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्लेन करना है ना। ये देखिए आप कितनी बार पूछा गया है, समर 2018, समर 2017, विंटर 16, विंटर 19 में 3 मार्क्स है, देखिए समर 19 में 3 मार्क्स है, विंटर 18, विंटर 17, देखिए विंटर 3 साल से तो लगातार पूछ रहे हैं। ओके, विंटर 16 भी है, यानी 4 साल ये हो गए लगातार। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पेपर हमने नहीं किए, 16 तक के ही पेपर है, तो अगर आगे के पेपर देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस 99% है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछेंगे ही, आप लिख लेना, ये क्वेश्चन आने ही वाला है कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे, तो इस वीडियो में हम स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो सीखने वाले हैं। देखिए मशीन का कंपोनेंट अगर एक ले लेते हैं, मशीन जो होता है उसका होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट बोलो, पार्ट्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, और उस पे लगता है फोर्सेस, मतलब बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, और फोर्सेस के कारण लगती है स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेसेस में कौन सी स्ट्रेसेस आपने सुनी होगी? आपने सुनी होगी टेंसाइल स्ट्रेस लगती है, ओके लगती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगती है, फिर बेंडिंग स्ट्रेस लगती है, ठीक है, फिर सीयर स्ट्रेस लगती है, एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी स्ट्रेसेस जो कॉमन है ये लगने के चांसेस होते हैं। अब जब भी अभी अगर मैं अभी टेंसाइल की बात करूँ, तो एक आपने आपने फार्मूला, स्ट्रेस का फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया, या तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, और बात करते हैं एरिया की, तो एरिया में एक एजम्पशन हम लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन निकालें, तो कहीं से भी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो पूरा सेम क्रॉस सेक्शन मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे कि ये सेक्शन ए ए हम कट कट करते हैं, सेक्शन ए ए, तो आपको दिखेगा सर्कल। अगर मान लेते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल। अभी हम सर्कुलर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन बी बी ले लेते हैं, तो बी बी में भी देखेंगे तो सर्कुलर ही मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, सेम डायमीटर, क्योंकि एरिया में चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसा एजम्पशन करके हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया हुआ है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या रहता है? तो एक्चुअल केस में मशीन में रहने वाले जो पार्ट्स है उसके जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ऐसे कांस्टेंट नहीं रहते। ये जो आपको स्क्रीन पे कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है, वैसा एक्चुअल प्रैक्टिस में रहता नहीं है। एक्चुअल केसेस में क्या होता है? एक्चुअल केस में कहीं पे नोच आ जाता है, कहीं पे कॉर्नर्स आ जाते हैं, ठीक है, कहीं पे कीवेस आते हैं, अगर शाफ्ट है तो उसमें कीवेस आते हैं, है ना, बीच में कुछ होल आ जाता है। मतलब एक्चुअल में तो ऐसे बहुत सारी क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस रहता है। फॉर एग्जांपल, कोई पार्ट ऐसा हो सकता है, देखिए कोई पार्ट ऐसा हो सकता है, इस पे फोर्सेस लग सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, यहाँ सेंटर में कम है, फिर पीछे वापस ज़्यादा है, और कभी कुछ ऐसा रहता है, आगे छोटा होता है, पीछे बड़ा रहता है, बीच में होल रहता है, वो भी सब पॉसिबिलिटीज़ है। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया एक्चुअल प्रैक्टिस में कांस्टेंट रहता नहीं है। तो बात अगर करें ये कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कंपोनेंट और कांस्टेंट नहीं रहने वाला क्रॉस सेक्शन वाला जो पार्ट है, उसमें अगर डिफरेंस देखे तो इसमें स्ट्रेसिस हर जगह सेम रहेगी। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए पे स्ट्रेसिस देखो, यहाँ पे स्ट्रेसिस देखो बी बी पे, तो स्ट्रेसिस सेम रहेगी, क्योंकि फोर्स जितना लगने वाला है वो आप यहाँ डालोगे, डिवाइड बाई एरिया तो सेम रहने वाला है, तो स्ट्रेसिस तो भाई सेम ही रहने वाली है ना हर सेक्शन पे। बट ऐसी बात करें, अगर कोई कंपोनेंट ऐसा है तो यहाँ पे जो स्ट्रेस का आंसर आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस का जो आंसर आएगा, और इस वाले एरिया पे
अगर स्ट्रेसिस का आंसर आएगा वो अलग अलग आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेसिस क्या होती है, अलग अलग होती है अलग अलग एरिया में, है ना। और जहाँ पे ऐसे सडन क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा, ऐसे जगह पे स्ट्रेसिस क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिस हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए, इसकी बात करें तो इसमें स्ट्रेसिस के अगर लाइंस ड्रॉ करूँ मैं, तो देखिए सेंटर से लाइन ऐसी जाएगी, और यहाँ से बात करें तो देखिए अब इस वाले पार्ट में तो हमारे पास मटेरियल है नहीं, तो ये स्ट्रेसिस यहाँ से जाने की कोशिश करेगी, है ना। उसी तरह नीचे से भी देखिए, ये ऊपर से जाने की कोशिश करेगी, ये ऊपर से अगर लाइन बनाए तो ये देखिए इसमें से जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मटेरियल तो वहीं पे है। अब ऐसे जाते जाते आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक स्ट्रेस की लाइन्स बाहर जा रही है। अब स्ट्रेस की लाइन बाहर जाने का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे क्रैक डेवलप हो सकती है ये वाले हिस्से में, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे ऐसे वाले हिस्से में यहाँ से क्रैक डेवलप हो सकती है ना। तो यहाँ इसका मतलब कि ऐसे जगह पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कहाँ पे, जहाँ पे एब्रप्ट चेंज हो जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया में, है ना। एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ पे अचानक से क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो जाता है, वहाँ पे स्ट्रेसिस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, और वहाँ पे कंपोनेंट पार्ट फेल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको समझाया कि इन डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, देखे देर आर सेवरल स्ट्रेसिस एक्ट्स ऑन एलिमेंट, है ना, बहुत सारी स्ट्रेसिस लगती है एलिमेंट। एलिमेंट यानी क्या होता है, पार्ट होता है, ठीक है। पार्ट पे अलग अलग स्ट्रेसिस लगती है, सेवरल स्ट्रेसिस यानी अलग अलग स्ट्रेसिस, जैसे कि नाम भी लिखा है, बेंडिंग, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, सीयर, एट्सेट्रा। अब ये जो स्ट्रेसिस है उसके इक्वेशन, जैसे मैंने इक्वेशन यहाँ पे बताया हुआ है, इसके जो इक्वेशंस बनते हैं वो डेवलप किया जाता है, एक एजम्पशन लेते हैं। क्या एजम्पशन लेते हैं, कि देयर इज नो चेंज इन क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बट देखिए, यहाँ बात होती है एक्चुअल प्रैक्टिस के मशीन के पार्ट्स की, जिसमें क्या होते हैं, नोचिस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, कीवेस होते हैं, और ऐसी बहुत सारी सिमिलर डिसकंटिन्यूटी होती है अलॉन्ग द सेक्शन, सेक्शन के अलॉन्ग, है ना। तो ऐसे पार्ट्स जब सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, ऐसे पार्ट्स पर एक्सटर्नल लोड लगते हैं, तो द स्ट्रेसिस अलॉन्ग द सेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन से वाले पार्ट पे, जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रही वो वाली जगह पे स्ट्रेसिस क्या होती है, विल बी मोर कम्पेयर टू द नॉमिनल स्ट्रेस, यानी जितनी नॉर्मल स्ट्रेस होती है उससे कहीं ज़्यादा होती है, कहाँ पे, जो सेक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे है खतरा, और उसी वो जगह पे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है उसी को तो हम बोलते हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यही है डेफिनेशन, कि लोकलाइजेशन हो जाना, लोकलाइजेशन हो जाना यानी जमा हो जाना, इसका मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन हो जाना, किसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाना, हाई स्ट्रेसिस का, किसके कारण, ड्यू टू जो इरेगुलरिटीज हो रही है इन द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेगुलर था वो रेगुलर एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं रहते, इरेगुलर रहते हैं, है ना। तो इरेगुलरिटी है जो क्रॉस सेक्शन एरिया में, या तो हम देखो और करके क्या लिखा है, एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट यानी एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, ऑब्वियसली, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, ये आपको लिखनी ही है, कि द लोकलाइजेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाई स्ट्रेसिस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज और एब्रप्ट चेंज इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पार्ट्स सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन को याद कर लेना, उसके बाद आपको कुछ फिगर्स ड्रॉ करनी है, तो फिगर्स में यहाँ पे बना रहा हूँ, वैसी ही फिगर्स बनानी है। तो एक आपको फिगर बनानी है जो कॉर्नर वाले पार्ट्स की, है ना। तो आपको एक पार्ट बनाना है जिसमें क्या है, कॉर्नर्स आ रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो है उसको वो कॉर्नर्स है, ठीक है। तो इस पे आप दोनों जगह पे लोड लगा देना, पी पी, ओके, कैपिटल पी, है ना। और दूसरा आप कंपोनेंट बना लेना, तो दिस इज पार्ट्स विद कॉर्नर्स, ठीक है, ये कॉर्नर वाला पार्ट्स है ना। इसके बाद एक पार्ट आप बना सकते हो जिसमें आप ऐसा पार्ट बना के सेंटर में आप होल बना सकते हो, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो पार्ट्स विद अ होल, ठीक है। यहाँ पे भी आप दोनों जगह लोड लगा देना, पी पी, है ना, ये आपको फिगर ड्रॉ करनी है। इसके बाद नोच वाला एक पार्ट बना सकते हो, जैसे इस तरह से नोच आया है ना, तो दोनों जगह पे हम नोच बना देते हैं, एक जगह पे भी बना सकते हो आप, और उसके भी हम लोड लगा देते हैं पी,
एक शाफ्ट बना सकते हो, और शाफ्ट जनरली हम ऐसा सर्कुलर सेक्शन ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे आपको कीवे बनाना है। ओके, तो कीवे बनाना है आपको शाफ्ट में, ठीक है? तो शाफ्ट विथ कीवे, ओके, KEY कीवे। तो शाफ्ट को घूमते बताना है, यानी आपको टॉर्क टी अप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है? और इसके अंदर आपको क्या बनाना है, स्ट्रेसिस की लाइंस बनानी है। तो मैं आपको स्ट्रेसिस की लाइन बना के दिखाता हूँ। तो सेंटर में तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है? यहाँ पे कंप्यूटर में बना रहा हूँ तो शायद स्ट्रेट लाइन ना बने, तो आप थोड़ा समझ लेना यहाँ पे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाना। और यहाँ पे आपको अंदर की तरफ मोड़ना है लाइंस, देखिए आप इस तरह से ये लाइंस ले जाके ऊपर से ले जाना। और अब यहाँ पे ये देखिए आप, ये देखिए ये बाहर चली गई, ठीक है? तो आप बाहर ऐसा थोड़ा बहुत बना सकते हो। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेसेस बाहर निकल रही है यहाँ पे, यहाँ क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा है, इस वाले पोर्शन पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो गई है, ज़्यादातर सारी स्ट्रेसेस उस जगह जमा हो गई है, वो वाली जगह पे, तो वहाँ पे मटेरियल पार्ट को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? इसी तरह यहाँ पे आप बनाओगे तो आप बाहर की तरफ से स्टार्ट करना स्ट्रेस के लाइंस बनाते वक्त, है ना? ऊपर इस तरह से लाइंस बना देना, देखिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, है ना? मेरी लाइन शायद स्ट्रेट ना बने, आप थोड़ा आपको स्केल से ये लाइंस बनाना, ये ऊपर से निकालना, देखिए ऐसी लाइन, ये नीचे से निकालना। और सेंटर से जो लाइन बनाओगे ये आप थोड़ा टच करवा के जा सकते हो, और एक लाइन यहाँ पे रह गई है ना? नोच वाला जो पार्ट है यहाँ पे लिखना रह गया है, नोच। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे स्ट्रेट लाइंस बना देना। अब आप समझ गए हो मेरे ख्याल से, है ना? तो इस तरह से लाइन बना देना, ये बाहर निकल गए, ठीक है? 6 लाइंस बहुत इनफ है। ओके, 3 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ, है ना? और शाफ्ट के अंदर बात करें तो शाफ्ट में ऐसे सर्कुलर बनाना है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या सियर सियर आता है, जो देखिए ऊपर से बनाते वक्त थोड़ा बाहर ले जाना इस तरह से। तो ये हमारी फिगर बन गई है। अब बस इतना ही आपको बनाना है। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रेस का कॉन्सेंट्रेशन है ना, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। तो आप अब समझ गए होंगे कि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। एक चीज़ आपको ये बतानी जरूरी है कि सेक्शन बनाना है, एक सेक्शन आप यहाँ बना देना, दिस इज सेक्शन AA, आप यहाँ पे AA लिख देना। और एक सेक्शन आपको कहाँ बनाना है, जहाँ पे एब्रप्ट चेंज हो रहा है एरिया में, जैसे कि BB, ठीक है? यहाँ पे एक आप कहीं पे भी AA सेक्शन बना देना, और सेंटर में जहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे आप सेक्शन BB बना देना, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे एक सेक्शन और एक सेक्शन यहाँ पे, ये वाला है AA, नौ जहाँ पे नॉमिनल स्ट्रेस लगती है, और यहाँ पे BB सेक्शन जहाँ पे स्ट्रेसिस बहुत ही ज़्यादा है। देखिए एक यहाँ पे ये BB हो जाएगा और एक नीचे की तरफ हो जाएगा AA, ठीक है? अब बात करेंगे AA और BB क्या है, तो यहाँ पे आपको वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। आप सेक्शन AA लिख देना और दूसरे जगह पे लिख देना सेक्शन BB। यहाँ पे मेरे पास इतनी इतनी ही जगह है तो मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको नीचे नीचे लिखना है यहाँ पे, इस फिगर के बाद लिखना है। ओके, तो AA पे आपको क्या लिखना है, नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है? नॉमिनल स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे कैसे है जो जो नॉर्मल स्ट्रेस लगती है वो। और सेक्शन BB पे क्या है, स्ट्रेसिस आर हाई, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो स्ट्रेसिस आर हाई, यहाँ पे लिखना है ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये आपको इस तरह से इतने पॉइंट्स लिखने हैं स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में। अब आपको थोड़ा इक्वेशन रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि देखिए स्ट्रेसिस एट BB कैन बी डिटरमाइंड बाय SCF, है ना? अब इक्वेशन कैसे बनता है, ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वो वाले पॉइंट्स है। तो SCF क्या होता है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर होता है। तो जो BB पे जो स्ट्रेस लगती है उसके लिए हम एक फैक्टर फाइंड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर। तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए रहती है थियोरी ऑफ इलास्टिसिटी, या तो एक्सपेरिमेंटल मेथड से फाइंड करते हैं, जैसे कि फोटो इलास्टिसिटी, ठीक है? स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, थियोरी ऑफ इलास्टिसिटी से, या तो एक्सपेरिमेंट मेथड से, और एक्सपेरिमेंट मेथड का नाम है फोटो इलास्टिसिटी। ग्राफ्स जो है, टेबल्स है, ये पहले से अवेलेबल है ये सारे, है ना?
कैसे ये लोग ने ग्राफ बनाया है और टेबल्स बनाए हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वर्क है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अलग अलग टाइप के लोड के लिए, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट यानी कि शेप ज्योमेट्री सब अलग अलग के लिए, मशीन के कंपोनेंट्स अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, ज्योमेट्री के ले लेके अलग अलग टाइप के लोड अप्लाई किए, एक्सपेरिमेंट्स किए नंबर ऑफ, और इससे बनाए इन लोग ने ग्राफ्स और टेबल्स। इससे इन लोग ने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, और ऐसे मतलब इसी ग्राफ से हमने इस वैल्यू को फाइंड कर लिया है ना। तो ग्राफ तैयार है, हमें तो क्या करना है, हमें दो चीज़ चाहिए। पहला कि हमारा लोड कौन से टाइप का है, आप लोड बता दीजिए, और दूसरा आपके जो शेप है या तो ज्योमेट्री है वो बता दीजिए, और आपको ग्राफ में वो SCF मिल जाएगा, ठीक है। तो SCF की फॉर्मूला में क्या आएगा, SCF इक्वल टू जो आएगा मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय सिग्मा नॉमिनल स्ट्रेस है ना। यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, एन लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये फॉर्मूला रहता है, देखिए द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस उस नॉमिनल स्ट्रेस जो होता है उसको हम SCF बोलते हैं। तो SCF, ये SCF कहाँ से निकाल दिया, ये आपने निकाल लिया ग्राफ या तो टेबल से। यहाँ पे आपको डिप्लोमा में कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये जस्ट आपको मेथड बतानी है कि ऐसे आप करते हो, ठीक है। आपको कोई ग्राफ या टेबल से SCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनल स्ट्रेस जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये सभी को पता होती है मटेरियल की, ओके, तो ये हमें पहले से पता होती है, और ये बात हम उससे फाइंड करते हैं सिग्मा मैक्स। तो हमें फाइंड क्या करना होता है, सिग्मा मैक्स। तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा मैक्स इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे SCF इंटू ये सिग्मा एन जो है SCF के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एन, ठीक है। और SCF की बात करें तो SCF को आप देखोगे तो KT बोलते हैं, ओके, उसका जो नोटेशन है वो है KT, SCF का स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाएगी सिग्मा मैक्स। और बात करते हैं स्ट्रेस का, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स की जगह पे किसी ने यहाँ पे लोड भी लिखा होगा, तो लोड कैपिटल P होता है, या तो लोड डिवाइड बाय एरिया है ना, दिस इज लोड, दिस इज फोर्स, ओके, बोथ आर इन न्यूटन, ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में ही है, दिस इज इन mm स्क्वायर, ओके, और दिस एरिया इज ऑल्सो इन mm स्क्वायर है ना। तो स्ट्रेस का जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का टॉपिक है ना। आई होप कि आपको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, किस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करनी है, किस तरह से आपको लिखना है, ये समझ आ गया है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए ये था हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लेने वाले हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिलेटेड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आप 2 से 4 मार्क्स इससे कवर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, और जो वैल्यूज़ रहती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अफेक्ट करने वाली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका एक और क्वेश्चन लर्न हो जाएगा डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का, ठीक है। तो इस तरह से हम एग्जाम की तैयारी और भी करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे मैकेनिकल कॉन्सेप्ट चैनल के साथ, और देखते रहिए मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मैकेनिकल रिलेटेड मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे, ओके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।